शांति के साथ अपने अंदर आए थे, उतनी ही शांति के साथ बाहर जाएंगे। हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी लोग का हमारे एक और ब्लॉग वीडियो में। तो गाइज, अभी शाम के 5 बजे हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोग को गुड इवनिंग। तो गाइज, आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग जो है कुछ ज़्यादा ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो है दशहरा, और जो दशहरा नवरात्रि का जो आज लास्ट। तो गाइज, दशहरा पूजा जो है मेरे गाँव में 3 जगह पर मनाया जाता है, और तीनों जगह पर वैसे तो मैं जा चुका हूँ, लेकिन अब उस टाइम पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बट अभी मैं आप लोग को चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पर तीनों जगह पर जाके, और आप लोग को वहाँ का पूरा व्यू जो है अच्छे से दिखाता हूँ। तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहना, तो चलते हैं। तो गाइज, अभी तो यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेला के चलते जो कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। तो अभी यहाँ से हम लोग को निकलना होगा जैसे तैसे करके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेला के चलते भीड़ लगा हुआ है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद सीधे आपको ले चलते हैं वहीं पर। तो गाइज, अभी जो यहाँ पे भीड़ से तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है। तो अभी चलते हैं सीधे इसके अंदर और आप लोग को दिखाता हूँ। अभी जो यहाँ पे आ चुके हैं, तो चलते हैं सीधे अंदर, आप लोग को दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे इधर के साइड में चप्पल उतारते हैं और चलते हैं सीधा इसके अंदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। तो गाइस, फाइनली अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पीछे कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, और यहाँ पे जो सजावट वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है। तो अभी जो भीड़ के चलते यहाँ पे माँ दुर्गा आप लोग को अच्छे से नहीं दिख रही होगी, तो आप लोग को मैं बैक कैमरा से यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ। तो गाइज, अभी यहाँ पे तो जो भी कुछ था मैंने आप लोग को दिखा दिया, तो चलते हैं अभी एक और जगह पे। तो गाइज, अभी यहाँ पे हम लोग दूसरी जगह पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे भी देख सकते हो मेला के चलते जो कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। तो गाइज, अभी यहाँ पे हम लोग दूसरी जगह पे भी आ चुके हैं, तो अभी इधर के साइड में चप्पल उतारते हैं और चलते हैं अभी सीधा ऊपर। तो गाइज, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऊपर भी आ चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा व्यू नजर आ रहा है। देख, तो गाइज अभी ऊपर तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो आप लोग को अच्छे से नहीं दिख रहा हो, तो मैं दिखाता हूँ और भी अच्छे से बैक कैमरा से। तो गाइस, यहाँ पे मैंने आप लोग को माँ दुर्गा के दर्शन जो है अच्छे तरीके से करा दिए, तो चलते हैं अभी एक और जगह पे। तो गाइस, अभी जो है मैं यहाँ पे एक और जगह पे आ चुका हूँ, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग को भी इधर के साइड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे माँ दुर्गा का इस साइड में मूर्ति, और आप लोग को मैं यहाँ पे और भी करीब से दिखाने का यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो गाइस, फाइनली अभी मैं यहाँ पे तीसरे जगह पे भी आ चुका हूँ, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो माँ दुर्गा का मूर्ति आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जो स्टेज वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे रात में शायद प्रोग्राम होगा। और यहाँ पे जो आप लोग मूर्ति देख रहे हो, ये जो है कहीं दूसरी जगह से यहाँ पे ला कर बैठाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है रात में प्रोग्राम वगैरह होता है, तो यहीं पर सब लोग दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। तो गाइज, अभी जो मैं अपने गांव से यहाँ पे थोड़ा सा दूर आया हूँ, बाहर की तरफ 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे, तो यहाँ पे जो लंका दहन हो रहा है, तो सोचा क्यों ना आप लोग को भी यहाँ पे मैं दिखाते चलूँ। तो चलते हैं अभी वहाँ पे और आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो गाइज, अभी जो है काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो मुझे घर के लिए निकलना होगा। तो आज की इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं, तो मिलते हैं अपने कॉर्नी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइज़।